let's start with our today's lesson. So before starting this lesson, let's recap what we have covered in our last video lesson. So in last lesson, we discussed that what is nervous system. किस तरीके से आपकी बॉडी कोऑर्डिनेशन करती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके जो पूरा हमारी बॉडी का होमोस्टैटिक का प्रोसेस है उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन हमने डिस्कस किया, हमने समझा कि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन सिस्टम है उन सभी का सिस्टमैटिक वे में फंक्शन करने के लिए मेनली हमारी बॉडी के अंदर दो सिस्टम है जो काम करते हैं। फर्स्ट इज न्यूरल सिस्टम, सेकेंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। सो न्यूरल सिस्टम के बारे में हम लोग इस सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो न्यूरल सिस्टम के बारे में जो हमने बेसिक बात करी तो हमने वहाँ पे ये भी देखा कि नर्वस सिस्टम और आपका एंडोक्राइन सिस्टम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। नर्वस सिस्टम के अंदर मैं बात करी थी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस की फॉर्म में हमारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। जो भी ट्रांसफर होता है वो रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्योंकि बहुत ही फास्ट इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ पे जनरेट हो रही है। तो आईएम का एक जो वेव है वो अलोंग द न्यूरोनल सेल वो पास आउट होता है, जिस वजह से जो भी इंफॉर्मेशन है या स्टिमुलस है वो बहुत ही रैपिड ट्रांसमिट होती है। इमीडिएट यहाँ पे रिस्पॉन्स होता है, जितना जल्दी आपका स्टिमुलस आएगा उतना ही जल्दी सेल आपकी इमीडिएट रिस्पॉन्स करती है, और रिस्पॉन्स हमारा एग्जैक्ट भी होता है क्योंकि जो भी स्टिमुलस को जहाँ से स्टिमुलस आपकी न्यूरोनल सेल लेके जाती है और उसके बाद जो भी मोटर रिस्पॉन्स जाता है टारगेट ऑर्गन तक, वो जो टारगेट ऑर्गन है उसके पास प्रिसाइज वे में इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि उसे किस तरीके से एक्ट करना है, किस तरीके से मोटर एक्टिविटी शो करनी है। इसलिए जो भी रिस्पॉन्स होगा वो एग्जैक्ट होगा। रिस्पॉन्स यहाँ पे शॉर्ट लिव्ड होता है क्योंकि न्यूरोनल सेल को दोबारा प्रिपेयर भी तो करना पड़ता है कि आपकी जो न्यूरोनल सेल है वो दूसरे स्टिमुलस को भी रिसीव कर सके। अगर वहाँ पे शॉर्ट लिव नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी न्यूरोनल सेल उतनी जल्दी इफेक्टिवली आपकी स्टिमुलस को रिसीव नहीं कर पाएगी, क्योंकि थ्रू आउट द डे आपकी न्यूरोनल सेल को मल्टीपल मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ स्टिमुलस है जिनको रिसीव करना पड़ता है, जिनको रिस्पॉन्स करना पड़ता है। दैट्स व्हाई न्यूरोनल सेल के अंदर जो भी स्टिमुलस होता है बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वो रहता है। ठीक है, अब हमने उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करी थी क्योंकि जो आप नर्वस सिस्टम पढ़ोगे उसके अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपकी यूज होती है, रिस्पॉन्स क्या है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, स्टिमुलस क्या होता है, किस तरीके से रिसेप्टर उनको रिसीव करते हैं, और जो हमने कहा कि न्यूरोनल सेल के अंदर एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो ये सब हम लोग लास्ट लेसन में कवर कर चुके थे, अभी हम लोग अपना बेसिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, न्यूरोनल सेल हमने कहा, अच्छा उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, हमने नर्वस सिस्टम की बात करी तो नर्वस सिस्टम के अंदर बेसिकली जब हम नर्वस सिस्टम की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक नाम आता है जिसे हम कहते हैं न्यूरोनल सेल और द न्यूरॉन्स। ठीक है, बट ऑल यू नो दैट कि न्यूरोनल सेल्स आर नॉट ओनली द वन सेल्स दैट आर फाउंड इन नर्वस सिस्टम, बट बिसाइड्स देयर इज अनदर टाइप ऑफ सेल्स आर फाउंड दैट आर न्यूरोएपिथेलियल सेल्स। ठीक है, इन शॉर्ट कहें तो हमारे नर्वस सिस्टम की जब स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट की बात आती है देन हम न्यूरोनल सेल का नाम लेते हैं। हमने बचपन से यही पढ़ा है नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट स्ट्रक्चरल यूनिट न्यूरोनल सेल्स होती है, और रीजन भी है क्योंकि जितने भी स्टिमुलस रिसीव करता है वो हमारी न्यूरोनल सेल ही करती है, जितने भी रिस्पॉन्स जाते हैं वो भी न्यूरोनल सेल के थ्रू जाते हैं। इसीलिए हम लोग नर्वस सिस्टम के अंदर एक ही सेल के बारे में पढ़ते हैं, उसी की मॉर्फोलॉजी उसी का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं ताकि समझ में आए कि कैसे आपकी वो सेल रिसीव कर रही है सिग्नल को और उसे ट्रांसमिट कर रही है दूसरे आपके जो भी जैसे न्यूरोनल सेल होगा उसको। ठीक है, तो उससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि और कौन से डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं जो न्यूरोनल सेल में या जो नर्वस सिस्टम के अंदर जो काम करती है। सो नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरोगैलियल सेल्स जो काम करती है, न्यूरोगैलियल सेल्स के बारे में थोड़ा सा ऐसे कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग हमारी न्यूरोन सेल्स की तरफ मूव करेंगे। तो न्यूरोगैलियल सेल्स बेसिकली आपकी तीन टाइप की सेल्स होती है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो न्यूरोनल सेल्स है उसके एग्जांपल में आप पढ़ते हो हमारी एस्ट्रोसाइट सेल्स, दूसरे जो न्यूरोगैलियल सेल्स है दैट इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स,
third one is microglia. नाउ अगर शॉर्ट में डिस्कस करें कि जो हमारी ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की न्यूरोगैलियल सेल्स है इनका फंक्शन क्या है, तो देखिए आपका न्यूरोनल सेल्स है और नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो हमने अभी तक यही पढ़ा है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी रीजनरेटिव पावर बिल्कुल जीरो होती है, इसके रीजनरेशन नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके न्यूरोनल सिस्टम के अंदर भी, नर्वस सिस्टम के अंदर भी कुछ एक सेल्स होती हैं जो रीजनरेट कर सकती है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक बात और क्लियर कर लेते हैं कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर जितना भी मॉडिफिकेशन होना होता है, जितने भी सेल डिवीजन होने होते हैं, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज तक ही कम्प्लीट हो जाते हैं, उसके बाद ही फर्दर डिवाइड नहीं करते, और उसी पावर को हम लोग कहते हैं इनके अंदर पावर ऑफ रीजनरेशन नहीं होती। मतलब अगर अडल्ट स्टेज के अंदर किसी पर्सन के अंदर किसी भी तरीके का उसकी न्यूरोनल सेल के अंदर डैमेज होता है तो वो रिकवर नहीं हो सकता। ये किसकी बात कर रहे हैं, जब हम न्यूरोनल सेल की बात कर रहे हैं, बट मेक श्योर कि नर्वस सिस्टम के अंदर और भी सेल्स प्रेजेंट होती है और ये इन सेल्स में से कुछ सेल्स हमारी रीजनरेशन पावर को शो करती है, ठीक है। हम लोग ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन के केस में आपको तीनों टाइप की न्यूरोगैलियल सेल्स देखने को मिलती है, एस्ट्रोसाइट सेल्स भी, ओलिगोडेंड्रोसाइट और माइक्रोगैलिया, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में समझ के चलेंगे। सो एस्ट्रोसाइट सेल्स विच इज अ टाइप ऑफ न्यूरोगैलियल सेल्स, देखो न्यूरोगैलियल सेल्स कुछ नहीं होता, दो वर्ड से बना है, न्यूरो और गैलियल सेल्स। जब हमारा मतलब बहुत सारे जो न्यूरोनल सेल्स होती है उनका तो एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, न्यूरोगैलियल सेल्स में जनरली आप बंच देखते हो, ठीक है। एस्ट्रोसाइट सेल्स की जब आप बात करोगे, एस्ट्रोसाइट सेल्स वो सेल्स होती है जिन्हें हम मैक्रोगैलिया भी कहते हैं। मैक्रोगैलिया इसीलिए कहते हैं, दीज आर द मैक्रोगैलिया बिकॉज दीज आर द मोस्ट अबंडेंट सपोर्टिंग सेल्स। सपोर्टिंग सेल्स किस लिए, क्योंकि जो न्यूरोगैलिया सेल्स है उनके फंक्शन की बात करें तो ये सपोर्टिंग सेल्स की तरह काम करती है, राइट। सो एस्ट्रोसाइट्स आर द न्यूरोगैलियल सेल्स जिनको हम मैक्रोगैलिया भी कहते हैं। मैक्रो का मतलब ही यही होता है कि जब आप किसी टर्म का मतलब मैक्रो मतलब जब ह्यूज अमाउंट की बात करते हो तो आप मैक्रो टर्म यूज करते हो, तो मैक्रोगैलिया मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में जो न्यूरोगैलियल सेल्स प्रेजेंट है वो कैसी है, एस्ट्रोसाइट सेल्स है, और इनका फंक्शन होता है सपोर्टिंग द न्यूरोनल सेल और द न्यूरोन सेल। सपोर्ट कैसे करेगी, जब एस्ट्रोसाइट्स की बात करें तो इनका रिपेयरिंग फंक्शन होता है, बिकॉज जो एस्ट्रोसाइट होती है इनके पास रीजनरेशन पावर होती है। तो आप कह सकते हो कि हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर कौन सी सेल्स है जिनके पास रीजनरेशन पावर होती है, दीज आर द एस्ट्रोसाइट सेल्स, और ये आपका न्यूरोनल सेल्स नहीं है, ये हमारे न्यूरोगैलिया सेल्स है। न्यूरोगैलिया सेल्स बेसिकली आपकी न्यूरोनल सेल को सपोर्ट करती है। सेकेंड जो आता है उसे हम कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट का काम होता है माइलिन शीथ को मेंटेन करके रखना। अब माइलिन शीथ क्या है, ये एक टाइप की कवरिंग होती है जो आपकी न्यूरोनल सेल के अराउंड प्रेजेंट होती है। जब मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगी तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि माइलिन शीथ कैसे फॉर्म होता है, किस तरीके से ये आपके एक्सोन को कवर करके रखता है और इस कवरिंग का बेनिफिट क्या है एक्सोनल सेल को, ठीक है। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि न्यूरोगैलियल सेल्स हमारे तीन टाइप की होती है, जिसमें एस्ट्रोसाइट सेल्स का काम होता है जी उनकी रीजनरेशन पावर होती है कि इन केस समहाउ कुछ एक्सटेंड तक जो ये डैमेज जैसे आपकी स्क्वैन सेल्स होती है या माइलिन शीथ जो होता है उनको रिपेयर करने का काम एस्ट्रोसाइट सेल्स का होता है, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का मेनली काम है कि ये आपके माइलिन शीथ को मेंटेन करके रखेगी, तो हम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का यहाँ पे फंक्शन लिख लेते हैं कि आपकी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का जो फंक्शन है दैट इज मेंटेन द माइलिन शीथ, राइट। दिस इज द फंक्शन ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट द माइक्रोगैलिया सेल, देखो हमने एस्ट्रोसाइट सेल्स को मैक्रोगैलिया कहा था क्योंकि वो मोस्ट अबंडेंट टाइप की आपकी एस्ट्रोसाइट सेल्स होती है, सॉरी मोस्ट अबंडेंट टाइप की आपकी न्यूरोगैलिया सेल्स होती है। तो अभी अगर हम बात करते हैं आपकी माइक्रोगैलिया की, तो ये हमारी सबसे कम अमाउंट में पाई जाने वाली
न्यूरोग्लियल सेल्स होती है, और इनका बेसिकली काम क्या होता है, ये स्पेशलाइज मैक्रोफाज सेल्स होती है, या हम कहें इनको स्पंजर सेल्स होती है नर्वस सिस्टम की। बिकॉज हर एक सिस्टम की, आपकी बॉडी के अंदर हर एक सिस्टम के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स मिलती है जिन्हें हम कहते हैं स्पॉइंजर सेल्स। इन स्पॉइंजर सेल्स का बेसिकली काम क्या होता है कि जो भी डेड सेल्स होती है या डेड पार्ट है उनको रिमूव करना। अच्छा, आपके एनवायरनमेंट के अंदर भी स्पॉइंजर्स प्रेजेंट होते हैं ना, स्पॉइंजर्स का बेसिकली काम क्या होता है कि जितने भी डेड पार्ट प्रेजेंट है उनको रिमूव करना, गलाना सड़ाना, ताकि जो एनवायरनमेंट के अंदर गंदगी फैल रही है, बदबू फैल रही है, उसको रिमूव कर सके। तो वैसे ही आप इमेजिन करो कि नर्वस सिस्टम के अंदर भी जो क्लीनिंग का काम है वो कौन करता है, माइक्रोग्लियल सेल्स करती है। इन माइक्रोग्लियल सेल्स को हम लोग, इन माइक्रोग्लियल सेल्स को मैक्रोफाज सेल्स और नर्वस सिस्टम ही कहते हैं। रीजन इज क्योंकि एक स्पंजर की तरह काम करती है, और स्पंजर का बेसिकली काम यही होता है कि जितने भी डेड पार्ट्स होते हैं उनको रिमूव करना। ठीक है, तो ये तीनों ही टाइप की सेल्स आपकी न्यूरोनल सिस्टम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसीलिए इनकी थोड़ी सी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज अभी तक हमने यही पढ़ा कि नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी न्यूरोन सेल्स होती है जिनका काम है सिग्नल को लेके आना, मोटर रिस्पॉन्स को लेके जाना टारगेट ऑर्गन तक या इफेक्टर ऑर्गन तक, बट हम इन सेल्स को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। बट इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए ताकि आपको जो फंक्शनैलिटी है वो समझ में आए। ऑब्वियसली बात है, घर को क्लीन रखना भी तो जरूरी है, इसलिए माइक्रोग्लियल सेल्स भी जरूरी है। अगर कोई डैमेज हो जाता है तो फर्स्ट एड बॉक्स तो चाहिए ही, तो इसीलिए एस्ट्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट है जो रिपेयर का काम करेगी, और एक्सोन सेल्स की जो कवरिंग है माइलिन शीथ उसको भी तो मेंटेन करके रखना जरूरी है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एक्सोन सेल्स का। तो इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट। ठीक है, अब ये बात तो आपकी यहाँ से क्लियर हो जाती है। अब हम लोग यहाँ पे एक टर्म समझते हैं। आप जब डेफिनेशन पढ़ते हो नर्वस सिस्टम की, तो हम कहते हैं कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू विद नो इंटरसेलुलर स्पेस, जिनका मेन फंक्शन होता है स्टिमुलाई को रिसीव करना और कंडक्ट करना इंपल्सिस को, किसकी हेल्प से, नर्व फाइबर की हेल्प से, यानी कि नर्व फाइबर के थ्रू आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस ट्रांसमिट होगा। अब एक चीज यहाँ से जनरेट होती है, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि नर्व फाइबर और न्यूरोनल सेल के बीच में क्या डिफरेंस है, बिकॉज दोनों ही अलग चीज है, लेकिन हम लोग जनरली उन्हें कंबाइंड वे में पढ़ लेते हैं। हम कह देते हैं नर्व फाइबर भी वही चीज है, न्यूरोनल सेल भी वही चीज है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। नर्व फाइबर के अंदर आपकी ब्लड वेसल्स भी आती है, आपकी आर्टरीज भी आती है, आपका कनेक्टिव टिश्यू भी आता है, यानी कि नर्व फाइबर एक कलेक्टिव टर्म है, एक कलेक्टिव टर्म है, एक ब्रॉड टर्म है, लेकिन न्यूरोन सेल्स एक नैरो टर्म है। नैरो टर्म इन द सेंस कि वो एक स्पेसिफिक सेल की बात करता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक सेल जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किसकी, नर्वस सिस्टम की। पर जब नर्व फाइबर की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ न्यूरोन सेल्स नहीं आते, उसके साथ साथ उसमें ब्लड आर्टरीज आएंगी, उसमें नर्व्स आएंगे, मतलब उसमें कनेक्टिव टिश्यू आएगा, उसमें वेन्स आएंगी, उसको कलेक्टिवली बहुत सारी एक्सोन सेल्स को भी वो इंक्लूड करेगा। ठीक है, उसको हम लोग नर्व फाइबर कहते हैं। तो हम यहाँ से डिफरेंस समझ लेते हैं ताकि इस दोनों टर्म के अंदर हम लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मैं इस पार्ट को इरेज कर लेती हूँ। यस, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं नर्व फाइबर वर्सेस न्यूरॉन, यानी कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर एक नर्व फाइबर की बात करें, एज आई सेड ये वाइटिश फाइबर होता है। वाइटिश फाइबर क्यों होता है, अच्छा यहाँ से एक और चीज आपको बता देती हूँ। जो माइलिन शीथ होता है ना, ये माइलिन शीथ आपका व्हाइट कलर का होता है। मतलब जो आपकी न्यूरोनल सेल्स होती है उसका जो एक्सोन रीजन होता है, अगर वो माइलिनेटेड है तो हम उसे व्हाइट कलर, वो हमें व्हाइट कलर की जैसा दिखेगा, यानी कि उसका व्हाइट कलरेशन आपको मिलेगा। ठीक है, इतनी चीज आप अभी के लिए दिमाग में रखिए। तो जो नर्व फाइबर है वो व्हाइटिश फाइबर होता है। व्हाइटिश फाइबर क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम एक्सोन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको व्हाइट कलर इम्पार्ट करते हैं। तो जो नर्व फाइबर है वो आपको देखने पे व्हाइटिश कलर का लगेगा। विच कैरी इम्पल्सिस टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर ऑर्गन। तो हमें पता है कि जो भी आपका सिग्नल है वो कैसे ट्रांसमिट करता है, सिग्नल आपका ट्रांसमिट कैसे करेगा, स्टिमुलाई आएगा कहाँ से, आपके रिसीवर ऑर्गन होगा, चाहे वो आपकी सेंसेस हो सकती है। ठीक है, वहां से सिग्नल आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाता है, और वहां से वापस आपका इफेक्टर ऑर्गन के पास जाता है, और ये कौन करता है, नर्व फाइबर करती है। ठीक है, तो नर्व इज अ व्हाइटिश फाइबर
neuronal cells which carry impulses to the central nervous system and from the central nervous system to the effector on. ठीक है, found only in the peripheral nervous system. ये चीज आपको specially ध्यान रखनी है कि nerve fiber सिर्फ आपको peripheral nervous system में देखने को मिलेगा. अभी के लिए आप इतना याद रखिए, peripheral nervous system होता है, और जब हम नर्वस सिस्टम को डिवाइड करते हैं, मैं आपको क्लासिफिकेशन भी समझाऊंगी कि जो नर्वस सिस्टम है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. एक हमारा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल मतलब सेंटर, यानी कि बीच में, जो आपकी बॉडी के अंदर सिचुएटेड है, सेंटर में सिचुएटेड है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया. और जो पेरिफेरी यानी कि बाउंड्रीज में सिचुएटेड है, वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया. ठीक है, बाकी पोर्शन जो है वो क्लासिफिकेशन के टाइम पे बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी. तो अभी आप इतना याद रखिए कि जो नर्व फाइबर है वो सिर्फ हमारे इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखने को मिलेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्व फाइबर नहीं होते. कंपोज ऑफ मेनी नर्व फाइबर, ब्लड वेसल एंड लिम्फेटिक. यस, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट कि नर्व फाइबर के अंदर सिर्फ न्यूरोनल सेल्स नहीं होती, उसके साथ साथ उसमें ब्लड वेसल्स भी होती है, लिम्फेटिक्स भी होता है. यू कैन सी इन दिस इमेज कि ये हमारा एक नर्व फाइबर है जो बाहर से देखने पे व्हाइटिश कलर का हमें दिख रहा है. इसके बीच में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, और इसके अंदर बंच ऑफ एक्सोन सेल्स प्रेजेंट है, एक्सोनल सेल्स प्रेजेंट है, बहुत सारे एक्सोनल सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है. और उसके साथ में हमारी ब्लड वेसल्स भी है, आर्टरीज और वेन. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कलेक्टिव टर्म, इसलिए हमने कहा कलेक्टिव क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें इंक्लूडेड है, कनेक्टिव टिश्यू भी, आर्टरीज भी, वेन्स भी, और साथ ही साथ बहुत सारे एग्जॉस्ट जो या तो आपके रिसीवर होंगे या फिर आपके स्टिमुलस को लेके जाने वाले होंगे, है ना, या तो सेंसरी होंगे या फिर आपके रिसीवर होंगे या आपके मोटर न्यूरॉन्स होंगे. ठीक है, ओके. सो एक्ट एज अ कंडक्टिंग जोन फॉर ट्रांसपोर्टिंग द सिग्नल. तो जो नर्व फाइबर्स होती है वो एक कंडक्टिंग जोन की तरह काम करता है. कंडक्टिंग जोन क्यों काम करता है, क्योंकि इनके थ्रू तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिट हो रही है, तो किसी के अंदर हमारे एग्जॉन्स है और एग्जॉन्स से तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिट होती है, तो ये आपका कंडक्टिंग जोन की तरह काम करता है. मेनली कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होता है, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व. और ये हमारे मेनली हमने क्लासिफाई भी कर दिया कि कहाँ कहाँ पे आपके नर्व फाइबर प्रेजेंट है, उस बेस पे हमने इनको क्लासिफाई कर दिया कि अगर आपके जो नर्व फाइबर क्रेनियल रीजन में प्रेजेंट है तो क्रेनियल नर्व हो गए, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है तो स्पाइनल नर्व हो गए, अगर वो सेंसरी नर्व की तरह काम कर रहे हैं तो सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व. सेंसरी नर्व जिनका काम होता है स्टिमुलाई को रिसीव करना, और मोटर नर्व जिनका काम है फैक्टर ऑर्गन तक सिग्नल के रिस्पॉन्स को लेके जाना. ठीक है, अब न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि कैसे नर्व फाइबर और न्यूरोनल सेल एक दूसरे से अलग है. ठीक है, तो न्यूरॉन सेल जो होती है वो एक स्पेशलाइज्ड सेल है, स्पेशलाइज्ड सेल है, इम्पोर्टेंट ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स. यानी स्पेसिफिकली जब एक सिंगल सेल की बात करते हैं तो हम न्यूरॉन की तरफ जाते हैं, और जब एक कलेक्टिव टर्म की बात करते हैं जिसके अंदर बहुत सारी न्यूरोनल सेल्स, हमारा कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल आएगी, तो हम नर्व फाइबर की तरफ जाते हैं. ठीक है, और जो न्यूरोनल सेल्स होता है वो आपके दोनों ही सिस्टम, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों में ही मिलेगा. और ना आपके जोन, आपकी जो न्यूरोनल सेल्स होती है उसकी स्ट्रक्चर तो आप सभी को पता ही है कि उसके एक हेड रीजन होता है जिसे सेल कहते हैं, सोमा कह देते हैं, फिर उसमें एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होती है जिसे एक्सोन कहते हैं, और उसके एक एंड के ऊपर, पोस्टीरियर एंड के ऊपर साइनेप्टिक रीजन प्रेजेंट होता है, साइनेप्टिक टर्मिनल प्रेजेंट होता है. ठीक है, एक स्ट्रक्चर होती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे. ओके, तो केमिकल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आर जनरेटेड हियर एंड टाइप इंक्लूड सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड द इंटर न्यूरॉन. बिकॉज आपकी जो न्यूरोनल सेल्स होती है उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं दैट इट कैन बी सेंसरी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, इट कैन बी मोटर एंड इट कैन बी एक्ट एज अ इंटर न्यूरोन सेल. ठीक है, सेंसरी जो सिग्नल को रिसीव करेगी, मोटर जिसका काम है इफेक्टर ऑर्गन तक जो भी मोटर रिस्पॉन्स होगा उसको लेके जाना, इंटर न्यूरोन, इंटर का मतलब दो चीजों के बीच में, तो जो सेंसरी और मोटर सेल्स के बीच में जो सिग्नल का ट्रांसमिट कराती है वो इंटर न्यूरोनल सेल्स होती है. ठीक है, अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि आपके जो न्यूरोनल सेल्स होती है उसका बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा होता है. ठीक है, अभी तक हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर दो टाइप की सेल्स होती है, एक होती है न्यूरोगैनियल सेल्स, एक होती है न्यूरोनल सेल्स.
न्यूरोनल सिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यही इम्पल्सिस तो जनरेट करती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस इन्हीं के थ्रू ट्रांसमिट होती है। और जितना भी सिग्नल या रिस्पॉन्स अगर आपके टारगेट ऑर्गन तक लेके जाना है तो उसका काम आपका न्यूरोनल सेल का ही काम है। न्यूरोग्लियल सेल की बात करें तो ये हमारी एक टाइप की सपोर्टिंग सेल्स होती है, जिसका काम सिर्फ ये होता है कि वो न्यूरोनल सेल के फंक्शन को सपोर्ट करती है। और सपोर्ट कैसे करेंगी? आइदर रीजनरेशन पावर, जो कि एस्ट्रोसाइट सेल्स का काम होता है, या फिर ओलिगोडेंड्रोसाइट जैसी सेल्स जिनका काम होता है स्क्वेम सेल्स को मेंटेन करके रखना, माइलिन शीथ को मेंटेन करके रखना, या फिर वो माइक्रोग्लियल सेल की तरह काम करेगी, जिनका मेनली काम है जितने भी डेड पार्ट है, जो डैमेज आपकी न्यूरोनल सेल्स हो गई है, उन डैमेज न्यूरोनल सेल को उस बॉडी से रिमूव करना। दे एक्ट एज अ स्पंजर। अब हम हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट की थोड़ी सी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो देखिए, जब आप स्ट्रक्चर की बात करते हो तो आपने देखा होगा आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है। हमारी एपिडर्मल सेल्स होती है, उनका जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा भी हो सकता है, वो इस टाइप की सेल की स्ट्रक्चर भी हो सकती है, उनका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, इरेगुलर फॉर्म भी उनका होता है। कुछ आपकी कॉलमर सेल्स भी होती हैं जो कॉलम की फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है? तो डिपेंड करता है, अलग अलग टिश्यू के अंदर अलग अलग टाइप की सेल्स है और उनका अलग अलग स्ट्रक्चर एंड फॉर्म है। और कहीं ना कहीं उनका जो स्ट्रक्चर, उनका फॉर्म है, वो डिपेंड उनकी फंक्शनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? कि किस तरीके का उनका फंक्शन है, उसी तरीके का उनका स्ट्रक्चर और फॉर्म बन जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी सेल की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हो, उसे उसके फंक्शन से रिलेट करते हुए चलना, ताकि समझ में आए कि क्या फंक्शन उसे परफॉर्म करना है, इसलिए क्या क्या मॉडिफिकेशन उस सेल के अंदर जरूरी है, ठीक है? तो नर्वस सिस्टम का फंक्शन हम सभी ने पढ़ा है कि सिग्नल को रिसीव करना और टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाना। तो ऑब्वियसली बात है, अब इसको इतना काम है तो सो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोनल सेल्स की बात कर रहे थे। तो हमने कहा कि टिश्यू स्पेसिफिक आपकी स्ट्रक्चर्स की मॉर्फोलॉजी होती है और उनके फंक्शन के ऊपर संभव ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपकी जो टिश्यू की स्पेसिफिक सेल है उनका फॉर्म एंड साइज होगा, ठीक है? तो जब हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम के अंदर उसे क्या करना है, सिग्नल को रिसीव करना है, ठीक है? तो जितनी ज्यादा उसकी ब्रांचेज होगी उतना ज्यादा वो सिग्नल रिसीव करेगा। आप ऐसे इमेजिन करिए, आपके पास आपके गार्डन के अंदर एक पेड़ उगा हुआ है, ठीक है? उसकी शेडो कितनी होगी ये डिपेंड करेगा कि उसके ब्रांचेस कितनी होगी, ठीक है? तो जितना शेडो होगा उतनी तो उसकी सॉरी जितने उसके ब्रांचेस होगी उतना उसका शेडो होगा। तो ऐसे ही हमारी न्यूरोनल सेल्स होती है। अब हमें अलग अलग डायरेक्शन के अंदर उसका जो हेड रीजन है उसको पहुंचाना है, तभी तो ज्यादा इफेक्टिवली वो सिग्नल को रिसीव कर पाएगी। अब अगर वो हर रीजन में पहुंचेगी तो ऑब्वियसली बात है उसकी ब्रांचेस भी फैलनी चाहिए, है ना? तो आप देखोगे कि जो हमारे न्यूरोनल सेल्स होती है उनका जो सेल बॉडी तो होता है बेचारा चुपचाप से एकदम सेंटर के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन जो उसकी बाहें होती हैं, जो उसकी आर्म्स हैं, वो हमारी क्या होती है, डेंड्राइट्स होती है, जो हर डायरेक्शन के अंदर ऐसे फैली हुई है कि मुझे कहीं से सिग्नल मिल जाए और मैं उसे तुरंत रिसीव करूं और रिसीव करके फटाफट से मैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करके उसे हमारे एडजेसेंट न्यूरोनल सेल तक पहुंचाऊं, ताकि जल्दी से जल्दी मेरा जो ब्रेन है वो काम करे और इफेक्टर ऑर्गन तक रेस्पॉन्स जा सके कि भाई अभी मुझे ऐसे काम करना है, ठीक है? तो इसीलिए आप इसका स्ट्रक्चर आप समझते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि हम जब न्यूरोनल सेल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर जनरली हमारा कैसा होता है? इसका जो स्ट्रक्चर होता है जनरली हमारी इसकी लेंथ जो होती है वो 90 से 100 सेंटीमीटर तक के इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है। और ये स्ट्रक्चर भी आप देखोगे किस तरीके से। हाँ, इससे एक चीज और मैं आपको बता दूँ, जब आप न्यूरोनल सेल देखते हो ना तो न्यूरोनल सेल्स जो होती हैं, जैसे हमने कहा सेंसरी भी है, मोटर भी है, इंटरन्यूरॉन भी है, तो न्यूरोनल सेल में एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि इस बेचारे के साथ बहुत ही गलत होता है। गलत कैसे होता है? क्योंकि इसको सिग्नल रिसीव करना है, न्यूरोनल सेल को सिग्नल रिसीव करना है, तो इसके हेड के ऊपर बहुत सारी ब्रांचेस निकल आई है जिसे हम कहते हैं डेंड्रॉइड्स। तो इसका हेड जो है वो कहाँ पे होगा, इसके जो डेंड्रॉइड्स है वो कहाँ पे होगी, जहां से इसको सिग्नल मिल सकता है। तो इसके डेंड्रॉइड्स तो आपको वहां देखने को मिलेंगे जहां से इसे सिग्नल रिसीव करना है, इसकी सेल बॉडी आपको कहीं और देखने को मिलेगी, और इसका जो टर्मिनल रीजन है वो आपको कहीं और देखने को मिलेगा, ठीक है? अभी थोड़ा सा आपको स्ट्रेंज लग रहा होगा, बट जब हम इसकी स्ट्रक्चर धीरे धीरे डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि न्यूरोनल सेल का कैसा स्ट्रक्चर होता है। आपको जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक्चुअल में न्यूरोनल सेल होता ऐसा ही है,
लेकिन आपको ये स्ट्रक्चर ऐसे नहीं देखने को मिलती कि आपने जैसे नर्वस सिस्टम का ब्रेन खोला, ब्रेन आपने किसी मेन का ओपन किया और उसमें देखा कि आपकी न्यूरोनल सेल ऐसे पड़ी हुई है, ऐसे नहीं होता। न्यूरोनल सेल केस में क्या होता है कि उनका हेड पार्ट कहीं और मिलेगा, उनकी बॉडी कहीं और होगी और आपका जो टर्मिनल रीजन है वो कहीं और देखने को मिलेगा। जैसे यहां से मैं आपको समझाती हूँ, हमने कहा था नर्व फाइबर की हमने बात करी थी, तो जो नर्व फाइबर्स होते हैं ये बाइसेशन कलरेशन होते हैं, और यहाँ पे हमने कहा कि उसके अंदर बहुत सारी एग्जोन सेल्स हैं। हमने ये नहीं कहा कि उसके अंदर न्यूरोनल सेल्स हैं, हमने कहा उसके अंदर एग्जोन सेल्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसके अंदर एग्जोन्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे इसमें देख रहे हो ये एग्जोन्स इसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन इसका जो हेड रीजन है वो किसी और पार्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, इसका हेड रीजन यहाँ है, इस बॉडी के अंदर एग्जोन्स है, इसका टर्मिनल रीजन कहीं और होगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारे जो नर्वस सिस्टम की बेसिक सेल्स होती है उसका कंपोजिशन होता है। अब इसका डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट लेसन में शुरू करेंगे, क्योंकि अभी हमारे लिए कंप्लीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर को समझेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस।